नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 2022 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा, रक्षा बंधन पर्व का शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। यह त्यौहार बहनों एवं भाइयों का प्रेम का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, तो वहीं भाई बहनों की उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ हिस्सों में इस पर्व को राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। बहनों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार रक्षाबंधन है। इस दिन का इंतजार बहनें बड़ी बेसब्री से करती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है। बता दें कि इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 के दिन पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 2022 में रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। हम आपको रक्षाबंधन 2022 के दिन का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी कुछ कथाओं का भी वर्णन आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस डेट के बारे में बताऊंगी। महाभारत के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी, जिसके बाद माता द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उस दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। तब से ही पवित्र बंधन राखी बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। और एक और ऐतिहासिक कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने राजा हुमायूं को राखी भेजी और अपनी रक्षा का वचन मांगा। राजा हुमायूं ने कर्णावती का सम्मान रखते हुए गुजरात के राजा से महारानी कर्णावती की रक्षा की और रक्षाबंधन की परंपरा जो है वो शुरू हो गई। अब बात करते हैं रक्षाबंधन 2022 पर्व का शुभ मुहूर्त। इस बार 11 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से 21:14 तक है, यानी कि 12 घंटे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। और दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुबह 9:28 से 21:14 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, मतलब पूरा दिन ही है। राखी का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास बड़ा ही शुभ महीना होता है। इसी माह में भक्तजन भगवान शंकर की कांवड़ भी लेकर जाते हैं। कहते हैं कि यहीं से ही हिंदू धर्म के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है और एक पर एक त्यौहार आनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रदोष काल कब लग रहा है। प्रदोष काल जो है वो 20:08 से लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, और प्रदोष समय की अवधि जो है वो 2 घंटे की रहेगी। राखी पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, आप देख सकते हैं। राखी का जो समय मैंने आपको बताया वो आपको 9:28 से बता ही दिया है और अंत का भी समय बता दिया। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास से उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अप्रह काल में पड़ती है। साथ ही साथ आगे दिए गए इन नियमों का भी रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे कि अगर पूर्णिमा के दिन अप्रह काल में भादो चढ़ गया तो रक्षाबंधन नहीं मानना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो त्यौहार के पूरे विधि विधान से अगले दिन के अप्रह काल में करने चाहिए। अगर पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भादो चढ़ने के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। बहनों के लिए बड़ी ही खास है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान को प्रसन्न करके भाई के जीवन में खुशियाँ मांगती है। इस दिन बहनें मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके भगवान से विनती करती है कि हे भगवान, हमारे भाई की रक्षा करना। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन जैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसी तरह भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हुए सुंदर सुंदर उपहार भी देते हैं। राखी पूर्णिमा जो है वो 11 अगस्त को पड़ रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर भाइयों की कामना करती है। साथ ही साथ वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की मनोकामना भी करती है। राखी को कलाई पर बांधते हुए एक मंत्र जरूर पढ़े, जिसे पढ़कर पंडित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वो मंत्र है ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बद्धामि रक्षे माचल माचल। ये जो है कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कहानी है कि जैसे अक्सर रक्षाबंधन की पूजा के समय चढ़ाया जाता है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की जिससे सभी कष्टों एवं दिक्कतों से
मुक्ति मिल सके। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। पौराणिक काल में सुरों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्धों में असुरों की विजय निश्चित है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का राजा घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु और तब बृहस्पति के शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। फिर सावन पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान जो है वो पूर्ण किया गया और इसी विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर लिखे मंत्रों का पाठ किया और साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया और इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त शक्तियों से इंद्र ने असुर को परास्त किया और अपना खोया हुआ राज्य जो है वो पुनः प्राप्त कर लिया। तो इसी कारण ये पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रसिद्ध है। महिलाएं इस दिन सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती है और इसके बाद वे उसकी पूजा अर्चना से वही खीर मिठाई आदि से करती है। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती है और जो महिलाएं नागपंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती है वह पूजा के लिए उसे पौधे को रखती है। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए वो इन बालियों को भाइयों के कानों पर रख देती है। अब इस पवित्र धागे का जो महत्व है वो है बहन भाई के हाथ पर पवित्र धागा जो बांधती है भाई उसकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। तो इसी कारण जो है ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो उम्मीद करूँगी आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। जिस तरीके से हम रोली चंदन धूप दिखाकर और अपने भाई को मीठा खिलाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं और जो है अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं, रक्षा का वचन देते हैं एक दूसरे को, उसी तरीके से हमें अपने भाइयों का हमेशा साथ देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं अंत करूंगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।